नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल। एंड आई एम प्रशांत, एंड हियर आर द मेजर स्टोरीज फॉर द डे। यूपी सीएम पर तथाकथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में प्रशांत कनौजिया को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। इंसेफेलाइटिस के कारण बिहार में अनेक शिशुओं की मौत। जमीन बचाने के लिए मुंबई के आर्य कॉलोनी में संघर्ष तेज। जनता द्वारा सूडान में 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल। और लूला की रिहाई पर ब्राजील की उच्च न्यायालय में सुनवाई आज। आइए खबर डालते हैं पहली स्टोरी पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पत्रकार प्रशांत कनौजिया को मंगलवार को जमानत दे दी। जज इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति रस्तोगी के आवासकालीन पीठ ने कनौजिया को जमानत देते हुए कहा कि आज़ादी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे समझौता नहीं किया जा सकता है। कनौजिया पर कथित रूप से ट्विटर और फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और उनकी छवि धूमिल करने के आरोप हैं। हमारी दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। हमारी आज की दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। कुशीनगर में एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यहाँ 6 से 7 लोगों ने पीड़िता को उसके घर के पास से जबरन किडनैप कर लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस की टीम पहुंची और उन्हें उसके पास के अस्पताल में ले गई। पेश है न्यूज़क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। महिला थी, उसी हमको उठवाई थी। उसका नाम है रीता। वही 7 लड़का बुला कर हमको उठवा कर अपना घर में ले गई और रेप करवाई, मेरे गाल कटवाई, मेरे छाती कटवाई, सब करवाई। वही खड़ा को और उसका एक लड़की है संजिला नाम को, उसके घर पर गुंडे सब आते हैं। गुंडे और 7 लड़के थे, गुंडे भी आते हैं और हम उनको बंदूक भी दिखाई थी मारने के लिए। हमारे घर से ही उठा ले हैं 7 लोग मिल के, अपने घर वो बुला खींच ले गई, किवाड़ी बंद कर लिए जी, सजी वो सब कुछ करी। कार हुआ है मुँह में, सब बखोरा हुआ है, सब है नोचा चोचा है, सब गाल काटा हुआ है, छाती सीना सब है। तीर के मुताबिक जो है धारा 147, 323, 504, 506, 452 और 354 ख और लैंगिक अपराधों के बालकों के उसमें जो है 7 और 8 है, और फिर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति निसंसता निवारण अधिनियम के तहत 31(1)(x) और 31(d) और 31(gh) के अंतर्गत मुकदमा। हमारी चौथी खबर बिहार से है। उत्तर बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत की संख्या लगातार बढ़ने की खबर आ रही है। वहीं दर्जनों बच्चे आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इनमें से ज़्यादातर मौतें शरीर में अचानक शुगर की कमी के कारण हुई हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 दशकों से यह बीमारी मुजफ्फरनगर सहित राज्य के कई इलाकों में होती है, जिसके कारण अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है, परंतु अब तक सरकार इस बीमारी से लड़ने के कोई उपाय नहीं ढूंढ पाई है। इस बीमारी के शिकार आमतौर पर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और मृतकों में अधिकांश की उम्र 1 से 7 वर्ष के बीच है। हमारी चौथी खबर आज मुंबई से है। मुंबई की आर्य कॉलोनी में इलाके की ज़मीन को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में जाने से बचाने के लिए संघर्ष और तेज़ हो गया है। मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद राज्य वन विभाग और सिविक बॉडी के बीच साइन हुई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से इस इलाके के 100 एकड़ से अधिक ज़मीन पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इस मसौदे के अनुसार यह ज़मीन मौजूदा जीजा माता उद्यान को बढ़ाने के लिए दी गई है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ देश विदेश के अन्य चिड़ियाघरों की तरह ही स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहता है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह कदम कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उठाया गया है। उनका सवाल यह है कि स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों को हटाकर और जानवरों को पिंजरे में बंद कर सरकार क्या दर्शाना चाहती है। उनके अनुसार इस इलाके में अनेक नए ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह इस इलाके की ज़मीन को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है।
कुछ दिनों पहले ही यहाँ बिजली और पानी की समस्या को लेकर भी बड़े आंदोलन देखने को मिले थे। देश की खबरों के लिए इतना ही, और ये चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। A two-day strike was held in Sudan on Sunday and Monday as civilian forces and protesters continued resistance despite a reign of terror. Four civilians died on Sunday as the entire country shut down despite this reign of terror. The strike was called by the Sudanese Professionals Association. The SPA has been leading civilian protests since December, first against former President Omar al-Bashir and subsequently against the military junta which succeeded him. Two of the civilians were shot dead by personnel of the notorious militia RSF in Khartoum. The other two died of injuries after being beaten up by RSF personnel in the city of Omdurman near Khartoum. RSF militia continued to patrol the streets of the capital city on pickup trucks that are mounted with machine guns, terrorizing the civilians. However, all of this did not stop tens and thousands of Sudanese from participating in the two-day strikes. Banks, airport, and the public transport system were completely shut down. Most of the shops remained shuttered in the central city of Khartoum. Hundreds of people were detained in the days ahead of the strike. In the days preceding the strike, unknown gangs are believed to have been wandering around Khartoum. At the same time, many announcements were made from mosques and near mosques asking people to arm themselves in order to defend themselves from these gangs. The Sudanese Professionals Association has denounced both of these acts as provocative gestures by the militia to create a situation where violence would take place and justify a crackdown. In our second story, we go to Brazil, which is reeling after reports were published which showed collusion between the prosecution team and the judge in the case of former President Luiz Inácio Lula da Silva. The report showed a clear political intention to block any possibility of a return of Lula's Workers' Party to power in the 2018 October elections. The actions of federal judge Sergio Moro to encourage and advise the prosecution on the investigation of Lula is a clear violation of the legal code and unethical. Following the publication of these reports, the opposition parties from Brazil's House of Representatives have announced that they will obstruct all actions in the legislative body till the implicated parties, that is the prosecutor and the judges, are brought to justice. Several lawyers and legalist associations have also called for a full investigation to be launched into former Judge Moro, who is now the Justice Minister, and the Chief Prosecutor of the car wash investigation, Dalton Dallagnol. Today may also see a development in Lula's struggle to be free, as the Supreme Court will hear his petition for a habeas corpus. The appeal was scheduled to begin in December and was postponed until now. That's all for the international section. We all know that India has been staring at a severe drought and water crisis, and while humans are struggling across the country, the crisis seems to have reached our distant cousins too. In a shocking incident, as many as 15 monkeys died due to heat stroke after another group of monkeys apparently denied them access to a river. The incident occurred in the Dewas district of Madhya Pradesh, according to the Forest Department. This entire region has been baking in 45 plus degrees heat for the past couple of weeks. Apparently, the 15 monkeys were victims of a gang of 50 to 60 of their bigger and not so friendly compatriots at a nearby pond. The victims died after seeking shelter in some caves. Some of the bigger monkeys were seen chasing the soon-to-be victims earlier. Forest officials are quite puzzled, as such deadly cases of conflict are rare among herbivores. For now, fresh water has been placed near the caves where the monkeys lost their lives. But these are clearly ominous times for monkeys, humans, and the governments which can't figure out how to deal with the water crisis. आज के डेली राउंडअप में बस इतनी ही खबरें। इन खबरों को विस्तार में जानने के लिए हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें Facebook और Twitter पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching.